नमस्कार। भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के मौके पर, गांधी जयंती के मौके पर बिहार ने एक इतिहास रचा। 1931 के बाद बिहार एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सबके सामने रखी है। जाति आधारित जनगणना की कवायदात शुरू हुई थी आज से 3-4 साल पहले। हालांकि जाति आधारित जनगणना की आवाज कई बार उठती रही, लेकिन 3 साल पहले जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, महागठबंधन की सरकार नहीं थी, तब नीतीश कुमार के सामने उन्होंने प्रश्न उठाया। नीतीश कुमार ने इसकी कवायदात शुरू की। 2022 के जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कल आ गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के वाइस प्रेसिडेंट रजनीश शर मौजूद हैं। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद। देखिए, कल ऐतिहासिक फैसला बिहार के बिहार राज्य में हुआ है और जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला सामने आया है गांधी जयंती के मौके पर, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये होगा कि जाति आधारित जनगणना को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मुद्दा था ही, क्योंकि जब ओबीसी रिजर्वेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया था तो उस समय खास के यादवों पर ये ब्लेम दिया जाता था कि यह बहुत सारा शेयर ले लेता है रिजर्व कैटेगरी का, तो इसलिए ये ब्लेम बार बार लग रहा था। इसीलिए प्रश्न उठाया गया था कि ठीक है, सभी जातियों की जनगणना हो जाए जिससे अंदाजा तो लग जाए कि, और अभी हुआ भी कि यादवों का पॉपुलेशन है ही सबसे ज्यादा। मुझे तो थोड़ा डाउट हो रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखिए तो कम से कम कहीं पर भी मुस्लिम से कम आबादी नहीं है यादवों का, तो 14% थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। अगर मुस्लिम 17 है तो यादव पॉपुलेशन भी उसी के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये कैसे कम है। ठीक है, बाय एंड लार्ज कोई भी काम में थोड़ा एरर होता ही है, तो ठीक ही है। अब इससे बहुत सारे एडवांटेज भी हैं कि एक तो सबको पता चलेगा कि किसका कितना पॉपुलेशन है, दूसरा बहुत सारे जैसे सवर्णों के पॉपुलेशन कम हुआ है, मतलब ब्राह्मण सभी लोगों का, तो वो लोग एक संवैधानिक डिमांड रख सकते हैं कि उनको पॉपुलेशन डिविडेंड मिले। जैसे फाइनेंस कमीशन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो साउथ इंडियन स्टेट डिमांड किए थे कि हम लोगों ने अपना पॉपुलेशन कम किया है तो हमें आप ग्रांट कम कर देते हैं तो ज्यादा कर दीजिए। तो क्योंकि ओवरऑल ये नेशनल पॉलिसी है कि पॉपुलेशन कम होना चाहिए, बच्चे कम हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक कहने के लिए होगा कि हम लोग पॉपुलेशन कम कर रहे हैं तो फिर हमारा भी मतलब बेटरमेंट हो, हमारा भी कुछ तो लाभ मिले उसका, और दूसरी जातियों के लिए भी होगा कि उनको भी लगेगा कि, और उनको ऑफिशियली भी कहा जाएगा कि जो बच्चे ज्यादा हो रहे हैं इससे घातक है देश के लिए, थोड़ा इनको लिमिट में लाया जाए, दैट विल बी कंट्रीब्यूशन फॉर द नोबल कॉज। और फिर जो संसाधन है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनका एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो टारगेटेड इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। जैसे मुसहर जाति को आप देखिए, 3% उसका पॉपुलेशन है, लेकिन मुझे लगता है सबसे मिनिमम इम्प्रूवमेंट उसी का हुआ है, तो उस पर एक हमारा प्रदेश अध्यक्ष पहले डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे साहब थे, उनको हमेशा मुसहरों की एक स्पेशल चिंता रहती थी कि उसमें एजुकेशन आज तक नहीं आया, उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट एक टारगेटेड पॉलिसी कर सकती है। तेजस्वी जी ने कहा ही है कि हमने सामाजिक न्याय तो हासिल किया था, अभी आर्थिक न्याय, तो एक घर का भी ये रूल होता है कि घर में कोई मतलब नहीं उतना प्रोग्रेस कर पाया है तो जो लोग आगे रहते हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो इससे उस घर का ही नाम ऊपर जाता है। तो अगर सोसाइटी में सब इम्प्रूव करे तो इसको हम बोलते हैं कि गज हार जाना बेटर है, नहीं तो आपको पूरा घर की बेइज्जती हो जाएगी, नहीं तो आपको थान हारना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि अलर्ट हो जाया जाए और जिसकी जो कमी है, आई थिंक मुझे जो ठीक समझ लगा मैंने बोला। अच्छा सर, इसमें सवाल ओबीसी और ईबीसी को लेकर के उठ रहा है, जिस प्रकार से ईबीसी की संख्या कहीं ना कहीं अभी भी कम बताई जा रही है, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे सर समझा जा सकता है?
नहीं, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ईबीसी 36 के आसपास है, ओबीसी 32 है। तो मतलब अब मैं बोला ही कि कोई भी काम होता है तो थोड़ा मोड़ा एरर होता है दर में भी, लेकिन ओबीसी का भी पॉपुलेशन तो काफी है, आप अकेले देख रहे हैं यादव 14% से ज्यादा है, तो होगा ही। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग को लग रहा है या किसी को भी लगेगा, बट आई थिंक डाउट इज नॉट सो करेक्ट, माने मे भी जी अब परसेंट आता ही है, उसको कोई क्या कर सकता। तो सर अब हक की लड़ाई तो सर शुरू हो जाएगी ना, कि किसने किसका हक मार लिया, किसने किसको हक दिया, तो इसकी लड़ाई तो सर कहीं ना कहीं अब तो देखने को मिल ही रही है राजनीतिक गलियारे में, इस बात की भी चर्चा चल रही है। नहीं, हक की लड़ाई ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये समाज में समरसता के लिए है। तो यही तो देखा जाएगा कि अगर किसी को जो रिजर्वेशन है उसका प्रोपोर्शनल फायदा बहुत ही कम हुआ है तो थोड़ा उसको जी स्पेशल इसका एडवांटेज दिया जाएगा। अगर कहीं लग रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उससे अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो नीतीश जी ने भी कहा है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया है, तो उसमें जो गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाए। किसी का हक कोई क्यों मारेगा? यह जो काम होगा, जो पिछड़ों की लीडरशिप है, किसी की नहीं होगी, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी। आप ही लोग दो तीन चैनल वाले हैं जो आपके चैनल पे बोल रहे थे, आप डॉक्टर साहब, और दो तीन चैनल वाले भी बोल रहे थे, आप लोग मत बोलिए। वो जी लोग बोल रहे थे कि किसी वाले को सीएम मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। कुछ जगह तो बने रहेगा ना कि लीडरशिप जो स्ट्रगल कर रहा है, जो योग्यतम व्यक्ति है, जैसे नीतीश जी का तो 3% ही है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और उसके लायक भी, काबिल भी है। तो जैसे आज लीडरशिप है तो ओबीसी और ईबीसी सबको मिला करके तेजस्वी जी बेस्ट लीडरशिप दे रहे हैं, तो तरह का विभाजन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मतलब आप इसको एटम बम मत बनाइए, इट इज ए डिवाइस फॉर द वेलफेयर, इट इज ए डिवाइस एंड डिस्ट्रक्ट, ये किसी के विनाश के लिए नहीं किया गया है। आप देखिए तेजस्वी जी का इंटरव्यू, और तो विद्वान प्रोफेसर मनोज झा ने कहा था कि इसको सामाजिक क्वालिटी नहीं तो क्या करते, ज्यादा गैप होता है तो स्ट्रेटेजी। सवाल अब मुस्लिमों को लेकर के है कि स्वर्ण मुस्लिम भी अब कहीं ना कहीं आएंगे, कि भाई अब तो हम स्वर्ण में शामिल हो चुके हैं, तो स्वर्ण मुस्लिम उनको बताया जा रहा है, तो वो भी अपने अपने हक की बात करेंगे सर। नहीं तो उनको तो हक की बात है ही, ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है तो उसमें सवर्ण के जी जो रिजर्वेशन, जो मुसलमानों के रिजर्वेशन में कवर नहीं है, तो उन मुस्लिमों को तो ईडब्ल्यूएस में फायदा मिल ही रहा है, उस 10% में मुसलमान को जी तो फायदा मिल ही रहा है ना, जो मुसलमान में सवर्ण है तो उनको तो ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, मेडिकल कॉलेज में सीट मिल रहा है, आईआईटी मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रहा है, तो सवर्ण तो ईडब्ल्यूएस में कवर में है ही क्या। जी बिल्कुल। तो अब वो भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा अपना मुद्दा कहीं ना कहीं बना सकते हैं। नहीं देखिए, अगर किसी बात को झगड़ा करने के लिए मुद्दा बनाना है तो दूसरी बात है, लेकिन आप जी जानते हैं यहाँ पर नीतीश जी हैं समावेशी चीफ मिनिस्टर है, मनोज झा जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये लोग सबको लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो 15% और मुसलमान के जो सवर्ण है, तो इसीलिए तो 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, तो जी इसमें सबको मिलेगा। चलिए, एक सवाल ये रहेगा सर कि अब तो आरक्षण का दायरा बढ़ाने की चर्चा चल रही है, कि आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है, तो इस पे क्या कहेंगे? आरक्षण के दायरे बढ़ाने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। अब देखिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो यह तो एक विचारणीय विषय है ही, तो इसमें भी क्या करना है। तो अगर बढ़ाया भी जाता है तो देखिए, एक तो है कि आप 100% नहीं कर सकते, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बिल बार बार डिक्लाइन हो रहा है, तो जो जी संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत जितना किया जा सकता है, जिस मान लीजिए 70% किया जा सकता है रिजर्व, 60 तो ऑलरेडी है ही, 75 किया जा सकता है, 80 किया जा सकता है, जो माने किया जा सकता है, फिर उसको जिसका जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद यह एक बेस ईयर हो जाएगा।
अब की बात से सरकार को भी और सभी जातियों को कहने के लिए भी हो जाएगा कि भाई अब मेरी पॉपुलेशन कम हो रही है तो मेरे रिजर्वेशन में दूसरा नहीं है। जैसे घर के संपत्ति का बंटवारा होता है तो आपके बच्चों को आपकी संपत्ति मिलेगा जी। उसके बाद अगर कोई अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहा तो उसका उसी के जनसंख्या के रिजर्वेशन के हिसाब से मिलेगा। तो ऐसा कर देने में भी कोई आपत्ति नहीं है। जो संविधान में सब क्या प्रावधान इसका है? नहीं माने 100% तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, संविधान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वह एक्सेप्टेबल मुझे लगता है पिछले लीडरशिप को भी नहीं होगा। क्योंकि टीचर के बहाली में आपने सुना ही कि प्रोफेसर साहब ने, चंद्रशेखर साहब ने कहा था कि अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, इसीलिए बिहार के बाहर के लोगों के लिए भी खोला गया। जी तो दाल में भी थोड़ा नमक डालने की जरूरत पड़ती ही है। तो कुछ सीट तो आपको जनरल कैटेगरी रखना ही पड़ेगा जिसमें ओबीसी के भी जो नॉन क्रीमी लेयर है जनरल भी है, क्योंकि उसके बिना कोई सोसाइटी फंक्शन भी नहीं करेगा और संविधान भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्ट भी नहीं करेगा। लेकिन जितना किया जा सकता है, मान लीजिए 70% टोटल रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है, अब उस 70% को इस जो जाति का आया है उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जिसका जितना है, जिससे कि सोसाइटी में समाधान हो, सबको मिले। अब थोड़ा लॉस और थोड़ा फायदा तो सबको होता ही है, क्योंकि सवर्णों को भी लाभ है। अब जैसे इंदिरा आवास है तो उसमें आप कह सकते हैं किसी का 2-3 बच्चा है तो उसको 2 का ही लाभ मिले, जिसको 2 बच्चा है 1 ही है उसको थोड़ा एडवांटेज। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड। अब एक बार फिक्स हो जाएगा, मान लीजिए कि जिसका जितना जाती है, अब वो ज्यादा बच्चा होगा तब उसको डिसएडवांटेज होगा। कल वो ये नहीं कह सकता कि मेरा पॉपुलेशन फिर बढ़ गया। अभी तो एक फेक डेटा था जिसके चलते सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहा था। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन डिवाइड भी होता है तो किसी को कोई माने मुझे नहीं लग रहा है घाटा है, थोड़ा मोड़ा लाभ होगा, 5% 10% तो आगे पीछे होता ही है। सर इसमें एक सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव के MY समीकरण, जो MY समीकरण की चर्चा तेजस्वी यादव करते हैं 2025 के विधानसभा में, उनको फायदा कहीं ना कहीं हो सकता है। तो क्या MY समीकरण को साधने के लिए भी जातिगत जनगणना में जो रिपोर्ट दिखाई गई है, जैसा कि आप बता रहे थे 17% होना चाहिए लेकिन यादवों को अभी 14% ही दिखाया गया है, तो क्या MY समीकरण की भी चर्चा इसमें छिड़ रही है सर? उस पर भी विवाद कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। MY समीकरण तो RJD का सधा हुआ है ही, यादव वोटर तो है ही RJD का, वही तो कोर वोटर और मुस्लिम है ही। इससे जो पिछड़ों में भी एक मैसेज जाएगा, जो बाकी जातियां भी अलग अलग अपने लीडरशिप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे निषाद समाज मुकेश जी के साथ है, कुशवाहा समाज पता नहीं अब उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है या नीतीश जी के साथ है, माने बिहार में आप देख ही रहे सब लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। तो एक जमात की राजनीति जो RJD कर रही थी पिछड़ों की जमात की, तो यह RJD को एक एडवांटेज मिलेगा तेजस्वी जी को, क्योंकि सब जान रहा है कि जातीय जनगणना का लाभ माने तेजस्वी जी ने दिलाया है, तो इसका पूरा श्रेय एक तरह से RJD को मिलेगा और यह तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने में मुझे लगता है ज्यादा हेल्प करना चाहिए। क्योंकि वो लड़ाई लड़ी है तो भाई जो लड़ाई लड़ा है तो उसका तो प्रॉफिट उस पार्टी को मिलेगा, उस आदमी को मिलेगा ही। MY साधना क्या, MY तो है ही, पिछड़ों का भी वोट मिलना चाहिए, जायज है ये। इसको हम बोलते हैं जायज मुहब्बत, ये कोई नाजायज मुहब्बत नहीं है। और A to Z की भी बात हो रही थी, तो सब लोग अगर मिल करके जो योग्यतम व्यक्ति है उसका चुनाव करे, तो मान लीजिए अगर कोई योग्य व्यक्ति चीफ मिनिस्टर सीट पर है, जैसे तेजस्वी जी हैं चाहे नीतीश जी है, 1000 अगर जॉब मिले क्रिएट होगा तो 150 जॉब सबको तो मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए लेट अस थिंक इन प्रोग्रेसिव, वस्तु आएगा तभी तो हम लोग बंटवारा करेंगे। एक अंतिम प्रश्न से इस इंटरव्यू को हम खत्म करेंगे। अंतिम प्रश्न ये है कि अब तो सवाल उठने लगे कि भाई तेजस्वी यादव को गद्दी नीतीश कुमार को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक तरीके से कहें तो उनके वोट प्रतिशत में जो उनके विधायक हैं यादवों की संख्या ज्यादा है, नीतीश कुमार के जो जाति है उनके में कम है, तो गद्दी सौंपने की अब चर्चा सर छिड़ गई है कि
तेजस्वी यादव को गद्दी अब मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार सौंपे, इस पे क्या कहेंगे सर? इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे बस के बाहर है। ये जो लोग चला रहे हैं कहीं उनका इंटेंशन झगड़ा लगाना तो नहीं है। अब गद्दी सौंपना नहीं सौंपना ये पार्टी के हाई कमांड डिसाइड करेंगे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं जैसे आप लोग एक ओबीसी बीसी का चक्कर चला रहे थे, तो इस टाइप से मुझे लग रहा है कोई ऐसे अफवाह फैला रहा है। और अगर बात जेन्यून भी है कि 40-45 यादव एमएलए अकेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस प्रश्न का जवाब देने लायक नहीं हूँ। ये कोई बड़ा पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोले तो बेटर होगा। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषयों पर बात करने की जरूरत नहीं है, सबके लाभ के लिए ही है मेरा जो मानना है। धन्यवाद। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।